नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और सीख रहे होंगे, चीजों को समझ रहे होंगे और काम भी बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं फोटोशॉप में। इस फोटो को मैंने लिया है 7.0 में, इसको फिनिशिंग ही करना है, लेकिन कुछ और चीजों को इसमें मैं समझाना चाहता हूँ। वो क्या है, कैसे काम करता है भाई, तो काम कैसे करता है उसके पूरे मैकेनिज्म को देखेंगे। उससे पहले बता दूं कि अभी तक आपने आर्ट बालाघाट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर फोटोशॉप से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक आपको प्रोवाइड करते रहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक मेंशन किया है, वो है हमारे ऑफिशियल ब्लॉग यूट्यूब चैनल के vikkyvellave.com, तो वहां पर भी आप जरूर फॉलो करें ताकि आप लोगों को चीजें बहुत अच्छे से पता चल जाए। तो देखते हैं ये फोटो को कैसे काम करना है, कैसे चीजें काम करती है और क्या क्या बेहतर हो सकता है। यहाँ पर देखेंगे ठीक से, फोटो में थोड़ा से पिक्सल्स कम नजर आ रहे हैं। पिक्सल्स को ठीक करना इतना आसान काम तो है नहीं, पर फिर भी कुछ हद तक चीजों को ठीक किया जा सकता है। यहाँ पे लेयर का एक ऑप्शन है, लेयर विंडो में, इस लेयर को मैं एक्टिवेट कर लेना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को देखने और चीजों को समझने में आसानी जाए। इस लेयर को एक्टिवेट कर लेने के बाद मैं इसको डुप्लीकेट बना लूंगा 001 के नाम से, ताकि इसको कंपेयर करने के बाद में आसानी हो कि किस हद तक चीजें काम कर गई। यहाँ से आना है फोटो में, सबसे पहले इस फोटो को ऑटो लेवल में क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करूंगा इसने अपना रंग छोड़ दिया है, रंग छोड़ दिया मतलब ये अपने ओरिजिनल मोड में आ गई है, और वापस आना लेवल में यहाँ ऑटो में क्लिक करता हूँ तो ये ठीक नहीं है। अब एक और चीज़ है, वो चीज़ ये है कि यहाँ से आएंगे तो यहाँ पर ऑटो कलर का बटन मिलेगा। जैसे ऑटो कलर का बटन क्लिक करेंगे वैसे देखेंगे कि ये और एक अलग मोड में जा चुकी है, जो कि ठीक नहीं है। अब नहीं है तो नहीं है भाई, क्या करें, अब इसका कुछ दूसरा निराकरण निकालना पड़ेगा। अब ये तो कुछ और कर रही फोटो जो नहीं चाहिए, वापस आना है यहाँ पर। ठीक से अगर नोटिस कर पा रहे होंगे तो लेवल का एक बटन दिखेंगे और करो का बटन दिखेंगे। करो में आने के बाद यहाँ से इधर पे क्लिक करूंगा तो भी ऐसी प्रॉब्लम कर दी, मतलब इसको कुछ और चाहिए जो हम दे नहीं पा रहे हैं। तो और चाहिए तो क्या करें, अब चाहिए तो चाहिए भी, करना तो पड़ेगा ना कुछ ना कुछ। इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, यहाँ से इतना काफी है, और ओके क्लिक कर दूँ। वापस लेवल में आना और लेवल को इधर से थोड़ा सा ड्रैग करना, और यहाँ सिर्फ इतना, यहाँ से इतना, और इसको थोड़ा 249 तक, और ओके अप्लाई कर देंगे, बस इतना काफी है। अभी काफी तो है, लेकिन गड़बड़ी कहाँ है, गड़बड़ी कहीं नहीं है। गड़बड़ी है, गड़बड़ी ये है इसके पिक्सल बहुत बेहतर नहीं नजर आ रहे। वापस आना है यहाँ पर और यहाँ से इसको क्लिक करना। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो ठीक से अगर नोटिस करेंगे तो चेंजेस तो आने चाहिए, और चेंजेस आ भी रहे। परसेंट करते हैं इसको और इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ठीक है। ये हो गया, ओके क्लिक कर दिए। अब देखेंगे इसमें चेंजेस नजर आए, कहाँ नजर आए हैं वो आंखों से ही समझ में आ जाएगा आपको। पहले ऐसी थी अब ऐसी, पहले ऐसी थी अब ऐसी, ठीक है, चेंजेस हो गए। अब चेंजेस होने के बाद पिक्सल्स बहुत बड़े लेवल पर नहीं बढ़ाया जा सकता, बहुत बड़े लेवल पर बढ़ाने पर थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उस चीज को भी समझेंगे। अब ये तो हो गया, अब यहाँ एक गड़बड़ी है, वो गड़बड़ी ये है कि इधर पे आना है और सिलेक्टिव कलर करना है, और यहाँ से इसके बालों को थोड़ा सेट करेंगे 4% के आसपास इधर, और 6% के आसपास इधर, और इसको -1 और इसको -2, ओके क्लिक कर देंगे। बस ये क्या चेंजेस हुए हैं, आपको जब काम करते करते चीजें समझ में आने लगती तब समझ में आता है कि इसके बेनिफिट क्या है और कैसे काम कर रहा है। ये हो गया, अब इस पर फिल्टर चलाते हैं। कौन सा फिल्टर चलाएंगे, यहाँ से आएंगे और पोर्ट्रेचर का फिल्टर चलाएंगे। ये फोटोज मैंने और बनाया हुआ है फिल्टर्स के ऊपर, बहुत सारी चीजों के ऊपर सारी चीजें समझाया है, लेकिन हर बार एक नई चीज समझ में आती है, क्यों इसकी वजह बताता। सारी फोटोज में चीजें काम सेम नहीं कर सकती, कुछ कुछ चीजों में कुछ अलग तरीके से काम करती, तो वहां पर थोड़ा सा समझना पड़ता है। इसको हाई डेफिनेशन में सेट रखा है मैंने, और यहाँ से 1 क्लिक में इसको सेट करूंगा, ठीक है, ओके क्लिक कर देंगे। और ये ठीक तरीके से चला जरूर, लेकिन बहुत बेहतर ऑप्शन नहीं दे रहा है। वापस एक बार और आएंगे, वापस एक बार और चलाएंगे, और ओके क्लिक कर देंगे, ये चल गया। इसको थोड़ा सा और कम करेंगे, 91, ओके। अब यहाँ एक छोटी सी समस्या है, समस्या क्या है भाई, समस्या तो कुछ नहीं है, समस्या इसको और फिल्टर करेंगे, जरूरत के बाहर फिल्टर कर देंगे इसको, और उसके बाद देखेंगे कैसा है परफॉर्मेंस देती है।
ऐसे एक्सपेरिमेंट के तौर पे चीजों को देखोगे, सीखोगे, बार बार करोगे तो आराम से ठीक हो जाएगी। अरे अप्लाई करने और अब जो काम हुआ होगा वो बेहतर होगा, मेरी समझ से बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे आपको। ये नॉट रिस्पॉन्डिंग लिखा गया है, लेकिन ये काम करेगा, थोड़ा वक्त लेगा लेकिन काम करेगा। ये काम कर चुका है अपना और बहुत बेहतर तरीके से काम कर चुका है। कंपेयर करके देखने जाते हैं तो पहले और अब ये कर दिए, और अब इसको मैं कंपेयर करूंगा। कैसे करूंगा कंपेयर वो बता देता हूँ आपको। ये हो गया, अब पहले और अब में अंतर देख लेंगे, पहले और अब। पहले फोटो ऐसी थी, अब फोटो ऐसी। अगर ठीक से नोटिस करेंगे सिर्फ आपको आंखों में ही अंतर नजर आ जाएगा कि कैसे काम करी चीजों ने। देखिए पहले ऐसी थी फोटो आंखें और अब ऐसी हो गई। शार्पनेस के साथ साथ फिल्टर और भी चीजें जो ऐड की हमने, वो सारी चीजें ऐसा मसाला बन के तैयार होके आती है कि आपको बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। तो इस टाइप का काम अगर आप करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें आसानी से समझ में आएगी, और उम्मीद है ये भी चीज़ आपको समझ में आई होगी। और मैंने अपनी तरफ से अपना बेहतर देने की पूरी कोशिश किया है। आने वाले सब टाइम पर और भी चीज़ों को समझेंगे, कैसे काम करती, कौन सी टेक्नोलॉजी कहाँ पर, कौन सी फोटोज कैसे, क्या क्या वर्क होता है इसका, पूरा मैकेनिज्म क्या है। टाइम आने पर सारी चीज़ों को समझेंगे। ब्लॉग को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, चेकआउट करो वेबसाइट को, आर्ट बालाघाट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया फॉलो कर लो, और अगर जो कोई भी समस्या आती तो आप मुझे कॉमेंट में बताओ यूट्यूब पर, मैं आपको सारी समस्याओं का निराकरण निकाल के दूंगा कि कैसी चीजें काम कर रही हैं। मिलेंगे कल की एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय भीम।